हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टी एस की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम टू अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर एट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर इशूड एट प्रीमियम So, question number 94. Abhipra Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of rupees 20 per share. The amount was payable as follows on application, rupees 14 per share, including premium of rupees 10. On allotment, rupees 8 per share, including premium of rupees 5. On first and final call, rupees 8 per share, including premium of rupees 5. सो so, इस तरीके से प्रीमियम का जो पैसा है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में स्प्रेड हो गया एप्लीकेशन फॉर नाइनटी थाउजेंड शेयर्स वर रिसीव्ड परेश शेयर होल्डर होल्डिंग फाइव थाउजेंड शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल वाइल धर्म होल्डर ऑफ थ्री थाउजेंड शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल शेयर ऑफ परेश एंड धर्म वर फोरफिटेड ऑफ द फोरफिटेड शेयर फाइव थाउजेंड शेयर इंक्लूडिंग थ्री थाउजेंड शेयर ऑफ 2,000 शेयर ऑफ धर्म वेर री टू पारूल एट द रेट ऑफ रुपीज एट पर शेयर एज फुल्ली पेड अप मतलब यहां टू रुपीज डिस्काउंट है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउ मेंशन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिप्रा लिमिटेड लेट अस सी द सोल्यूशन एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट में देखिए शेयर्स वन लाख ऑफर किए गए हैं पब्लिक को लेकिन सिर्फ नाइन्टी थाउजेंड शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं मतलब इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन और हमें सिर्फ नाइन्टी थाउजेंड शेयर्स पर ही बात करनी और है और एप्लीकेशन मनी है फोर्टीन रुपीज सो नाइन्टी थाउजेंड इन फोर्टीन इज ट्वेल्व लैक सिक्सटी थाउजेंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बींग रिसीव्ड एप्लीकेशन अब इसे ट्रांसफर करेंगे सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और जो जो पैसा है जैसे कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे सो नाइंटी थाउजेंड एट द रेट ऑफ रुपीज फोर ये कैपिटल का है और नाइन्टी थाउजेंड एट द रेट ऑफ रुपीज टेन ये प्रीमियम का है सो नाइन लाख रुपीज प्रीमियम का है इसमें से और थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज कैपिटल का है बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड नाउ अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड देखिए ये ये एंट्री और ये एंट्री सेम ही है बस यहां एप्लीकेशन लिखा, लिखा है यहां अलॉटमेंट लिखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट मनी नाइन्टी थाउजेंड शेयर पर एट रुपीज पर शेयर ड्यू हो रहा है दट इज सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड उसमें से कैपिटल का अमाउंट है नाइन्टी थाउजेंड पे थ्री रुपीज सो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और थाउजेंड शेयर्स पर ही फाइव रुपीज पर शेयर प्रीमियम का है मतलब फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई के बीइंग अलॉटमेंट ड्यू अब क्या हुआ अब लिखा है परेश अ होल्डर ऑफ फाइव थाउजेंड शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी तो 90,000 थाउजेंड शेयर्स पर नहीं पर एटी फाइव थाउजेंड शेयर्स पर पैसे मिलेंगे सो बैंक में पैसा आएगा क्योंकि परेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास फाइव थाउजेंड शेयर्स है उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एटी फाइव थाउजेंड शेयर्स पर 85000 into 8 being amount received except on except on 5000 equity shares of paresh फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां भी सेम है जैसा कि अलॉटमेंट था नाइन्टी थाउजेंड शेयर पर ही uh, थ्री रुपीज कैपिटल का और 90,000 थाउजेंड शेयर पर फाइव रुपीज पर शेयर प्रीमियम का मतलब एट रुपीज पर शेयर ड्यू है सो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड सो ये हो गया सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइनल कॉल ड्यू अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा लेकिन परेश जिसके पास फाइव थाउजेंड शेयर्स है वो पैसा नहीं दे रहा है लेकिन अब धर्म भी नहीं दे रहा है धर्म एक अन, अनदर शेयर होल्डर है जिनके पास थ्री थाउजेंड शेयर्स है मतलब फाइव थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड एट थाउजेंड शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिलेगा सो कितना मिलेगा नाइनटी थाउजेंड में एट थाउजेंड लेस कर दीजिए आ जाएगा एटी टू थाउजेंड शेयर्स पर एट रुपीज बस इतना ही अमाउंट हमें मिलेगा to equity share first and final call being received except on 8000 equity shares of paresh and tharam अब परेश और धर्म के शेयर को हम फोरफीट करेंगे फाइन उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8000 शेयर्स के लिए क्लोज होगा क्योंकि परेश और धर्म दोनों का शेयर मिलाकर के 8000 है और पूरा का पूरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना है टेन रुपीज है सो एटी थाउजेंड रुपीज से ये क्लोज हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्लोज होगा क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी अमाउंट नहीं मिला है कैसे होगा आ, आ, परेश का फाइव थाउजेंड शेयर्स पर कितना रुपीज नहीं मिला है प्रीमियम का टेन रुपीज नहीं मिला है फाइव रुपीज अलॉटमेंट के समय और फाइव रुपीज फाइनल कॉल के समय सो ये हो गया ये परेश का है और थ्री थाउजेंड शेयर्स है उस पर फाइव रूप फाइव रुपीज नहीं मिला है तो इस तरीके से फिफ्टी थाउजेंड और यहां फिफ्टीन थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज प्रीमियम का नहीं मिला है यह परेश का है और यह धर्म का है फाइन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया परेश ने नहीं दिया है और अलॉटमेंट मनी कितना है एट रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम सो फोर्टी थाउजेंड रुपीज परेश ने नहीं दिया और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यहां पूरे एट थाउजेंड शेयर्स पर पैसा नहीं मिला जिसमें परेश और धर्म दोनों का है इन टू एट यहाँ सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज नहीं मिला तो मिला क्या है हमको है ना जो मिला है वो फोरफीट करेंगे और उसे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में लिखेंगे टू फोरफीटेड शेयर्स देखिये कौन है परेश परेश ने क्या परेश के पास कितने शेयर्स है फाइव थाउजेंड शेयर्स है फाइव थाउजेंड शेयर्स पर परेश ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है एप्लीकेशन मनी दिया है का मतलब है फोर्टीन रूपीज में से फोर रूपीज दिया है है ना फोरफीट वही अमाउंट होगा जो कैपिटल का है प्रीमियम का अमाउंट कभी फोरफीटेड शेयर्स में नहीं आता तो परेश ने फाइव थाउजेंड शेयर्स पर सिर्फ फोर दिया है और दूसरा है व्यक्ति धर्म धर्म के पास थ्री थाउजेंड शेयर्स है और इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पैसा दिया है मतलब एप्लीकेशन का फोर रुपीज और अलॉटमेंट का थ्री रुपीज सो कितना रुपीज दे दिया इसने सेवन रुपीज दे दिया सो यहां हो गया ट्वेंटी और यहां हो गया ट्वेंटी वन सो फोर्टी वन थाउजेंड रुपीज फोर फीट हो गया है ना, अब इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल है अब यहां ही आप समझ लीजिए कि ये परेश के शेयर है परेश के शेयर्स पर मैक्सिमम फोर रुपीज डिस्काउंट दिया जा सकता है और धर्म के शेयर्स पर मैक्सिमम सेवन रूपीज डिस्काउंट दिया जा सकता है अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है और याद है आपको तो समझिए कि टू डिस्काउंट हम दे रहे हैं रीशु के समय है ना तो यहां तो टू तो अफोर्डेबल है अब अब यहाँ आप फोर रुपीज से ज़्यादा नहीं दे सकते यहाँ आप सेवन रुपीज से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते तो टू रुपीज़ तो दोनों तरफ मैच कर रहा है है ना तो ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है आपको हमेशा पर शेयर के तरह इस्तेमाल मतलब याद रखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए तो आपका कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट कभी भी गलत नहीं होगा बींग फोरपीटेड आओ अब करेंगे शेयर्स को रिशू में हमें फाइव थाउजेंड शेयर्स रिश्यू करेंगे सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फाइव थाउजेंड शेयर्स को एट रुपीज पर शेयर में रिश्यू कर रहे हैं मतलब फोर्टी थाउजेंड रुपीज और टू रुपीज डिस्काउंट है वो पैसा फोर शेयर से आएगा ट इज टेन थाउजेंड रुपीज एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से क्रेडिट हो जाएगा फाइव थाउजेंड शेयर्स पर टेन रुपीज के हिसाब से बींग शेयर रिश्यूड एट डिस्काउंट अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है यहां पर बहुत बार गड़बड़ हो जाता है इसे आप समझिए फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व नाउ अब बचा हुआ पैसा जो फोरफीटेड अमाउंट में से बचा हुआ अमाउंट है वो हमें ट्रांसफर करना है तो देखो कितने शेयर्स हैं यहां पर जब रिश्यू हुए हैं उसमें आ, थ्री थाउजेंड शेयर आदमी कौन है धर्म के टू थाउजेंड शेयर कितना कितना अमाउंट इनका बच गया है देखो ये परेश में चार रुपए फोर रूपीज पर शेयर हमने फोर फीट किया था और टू रुपीज डिस्काउंट दिया है तो बचा कितना है टू रूपीज पर शेयर बचा है तो ये हो गया टू रूपीज से मल्टीप्लाई कर यहां धरम के सेवन रुपीज पर शेयर फोर हुए थे और उसमें से हमने टू रुपीज डिस्काउंट दे दिया तो पर शेयर फाइव रुपीज बचा है ना तो फाइव रुपीज ट्रांसफर करेंगे गेन हो गया ये बचा हुआ पैसा जो है वो गेन है तो ये हो गया सिक्स थाउजेंड और ये हो गया टेन थाउजेंड सो सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व

these shares were reissued and gain on reissue transferred to capital reserve was rupees 5000 determine the amount realized from reissue of shares matlab aapko batana hai ki shares kitne rupaye mein reissue hue hai let us calculate so solution 95 vrc 1000 shares ko hame forfeit करना है. और ये शेयर्स कितने के हैं टेन रुपीज पर शेयर के हैं जिसमें से एट रुपीज पेड है एंड टू रूपीज नॉट पेड है ना कोई मुद्दा होना चाहिए शेयर फोरफीट करने का पैसे नहीं दिए आपने मांगे थे कंपनी ने और इस कारण डायरेक्टर्स को अधिकार है कि वो आपके शेयर्स को फोरफीट कर ले तो यहां पर कितना रुपए फोरफीट हो गया एट रुपीज पर शेयर फोरफीटेड अमाउंट है फिटेड अमाउंट कितना होगा जितना पे किए हैं उतना ही फोरफिट होगा रुपीज एट पर शेयर ठीक है और यहां लिखा हुआ है कि शेयर्स वेर रीशूड एंड गेन ऑन रीशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व फाइव थाउजेंड और तो मतलब फोरफिटेड अमाउंट एट रुपीज पर शेयर है मतलब वन थाउजेंड शेयर पर एट रुपीज फोरफिटेड अमाउंट है मतलब एट थाउजेंड रुपीज टोटल फोरफिटेड अमाउंट है अब इसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया हमने डिस्काउंट दे दिया फाइव थाउजेंड रुपीज का नहीं ट्रांसफर किया है ये कैपिटल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया कितना फाइव थाउजेंड तो डिस्काउंट देने के बाद ही तो ट्रांसफर होता है तो थ्री थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट अलाउड है है थ्री थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट अलाउड है कितने शेयर्स पर है शेयर्स पर है तो थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन जाएगा रुपीज थ्री पर शेयर डिस्काउंट टेन रुपीज का शेयर है उसमें थ्री रुपीज आपने डिस्काउंट दे दिया है तो रीशू प्राइस क्या होगा रीशू प्राइस इज टेन रूपीज माइनस थ्री रुपीज डिस्काउंट विथ दैट इज सेवन रुपीज पर शेयर है ना थाउजेंड शेयर पर कितना रुपया मिलेगा सेवन रूपीज के हिसाब से सेवन थाउजेंड रुपीज में इन वन थाउजेंड शेयर को रीश्यू किया गया है सो दिस इज द री प्राइस ये इन टोटल है और ये पर शेयर है उ सी क्वेश्चन नंबर 96 स्वस्थ लिमिटेड फोर 2,000 शेयर्स ऑफ शेयर टेन इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल थ्री पर शेयर मतलब थ्री रुपीज नहीं दिया मतलब दे दिया शेयर फोर फीट हुआ है मतलब फोर्टीन थाउजेंड रुपीज फोर फीट हुआ है फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ दीज शेयर रीशूड एंड गेन ऑन रीशूड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वॉज रूपीज सेवेंटी फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज का गेन है मतलब फिफ्टीन हंड्रेड शेयर पर सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज का गेन है मतलब फाइव रुपीज का गेन है है ना तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है बताइए टू रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया है ठीक टू रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया है मतलब एट रुपीज में जारी किया है एट रुपीज इंटू फिफ्टीन हंड्रेड विल बी हाउ मच ट्वेल्व थाउजेंड ये तो ओरल ही बन गया डिटरमाइन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम री इश्यू ऑफ शेयर्स्यूशन नाइनटी सिक्स हमारे पास टू थाउजेंड शेयर है सॉरी कितने शेयर्स है टू थाउजेंड शेयर्स है और इन शेयर्स की कीमत टेन रुपीज पर शेयर है और इसमें से क्या लिखा है क्वेश्चन में थ्री सेवन रुपीज पेड है और थ्री रुपीज नॉट पेड है तो फोरफीटेड अमाउंट क्या है फोरफीटेड अमाउंट है टू थाउजेंड शेयर पर सेवन रुपीज मतलब टोटल फोरफीटेड अमाउंट है फोर्टीन थाउजेंड और हम कितने रीइू कर रहे हैं रीश्यूड शेयर क्या है रीश्यूड फिफ्टीन हंड्रेड शेयर कर रहे हैं तो फोरफिटेड अमाउंट फोरफिटेड अमाउंट ऑन फिफ्टीन हंड्रेड शेयर इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड इंटू सेवन ठीक है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह है फोरफिटेड अमाउंट फिफ्टीन हंड्रेड शेयर्स का नाउ गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व ये माइनस करिए इसमें से कितना रुपीज का गेन ट्रांसफर किए हैं सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का गेन ट्रांसफर किए हैं मतलब थ्री थाउजेंड रुपीज जो डिफरेंस है यही है डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड ऑन फिफ्टीन हंड्रेड शेयर ठीक है तो फिफ्टीन हंड्रेड शेयर्स की कीमत कितनी है टेन रुपीज है तो फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज मिलना चाहिए था लेकिन कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है कितने का थ्री थाउजेंड रुपीज का तो रीइशू प्राइस क्या हुआ माइनस करिए इसको ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज इज द रीइ प्राइस ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड शेयर आप इसको पर शेयर के हिसाब से भी कर सकते हैं अगर आप इसको डिवाइड करेंगे फिफ्टीन हंड्रेड से तो रीश्यू प्राइस पर शेयर मिल जाएगा और वो अमाउंट रुपीज एट पर शेयर और यहां भी आप इसको फिफ्टीन हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो आएगा रुपीस टू पर शेयर एज डिस्काउंट सो इस तरीके से आपको सोचना है पर शेयर के माध्यम से अगर आप सोचते हैं तो कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान हो जाता है समझने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए और प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर सके अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप टी एस की टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये सारे वीडियोज इस चैनल के आपके काम आ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो